निरसा क्षेत्र में एक बार फिर कोयला चोरों और तस्करों का धंधा भारी पैमाने पर शुरू हो गया है। कोयला तस्करों के लिए सबसे सुरक्षित जगह मुगमा है, जहां खुदिया नदी और जंगलों में अवैध कोयला कारोबारियों द्वारा दर्जनों कुआनुमा मुहाने को खोलकर रोजाना सैकड़ों टन कोयला का उत्खनन किया जाता है। सैकड़ों की संख्या में लोग जान जोखिम में डालकर कोयला काटकर नदी किनारे जमा करते हैं। फिर देर रात तस्कर मिनी हाईवा और ट्रैक्टर के माध्यम से आसपास और गोविंदपुर के चिन्हित कोल डिपो में जमा करते हैं। फिर डंपर और ट्रक के माध्यम से बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की मंडियों में भेजते हैं। इस पूरे मामले का भांडाफोड़ संयुक्त टीम की छापामारी के कारण हुआ, जहां गुरुवार को CISF तीतलपुर की टीम ने 150 टन कोयला जब्त किया, जिसमें 20 टन कोयला लदे ट्रक JH10W3271 को भी जब्त किया गया। अवैध कोयला उत्खनन के कारण पूरा नदी और जंगल बर्बाद हो रहा है। कुछ दिन पूर्व ही निरसा थाना प्रभारी दिलीप कुमार यादव ने ECL और CISF को लेकर दर्जनों अवैध मुहानों की भराई कराई थी। इसके बाद भी कोयला चोर नए मुहाने खोलकर कोयला उत्खनन में लगे हुए हैं। अब तक CISF द्वारा लगातार कार्रवाई कर हजारों टन कोयला जब्त किया जा चुका है। इलाका सुनसान और जंगल से घिरा होने के कारण कोयला तस्करों के लिए मुगमा का ये क्षेत्र पसंदीदा स्थान बना हुआ है। यही वजह है कि लगातार कार्रवाई होने के बावजूद भी निरसा के इस इलाके में कोयला चोरी जारी है। पूरी तरह से इस पर अब तक अंकुश नहीं लग पाया है।